नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं भोगीराम एंड गया प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी आगरा में। और आग रोजाना के आगरा के आलू के मंडी भाव जानना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल पर हिट कर लीजिए, इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आगरा की आलू मंडी में आज नए और पुराने का क्या भाव चला है और आढ़ती वर्ग क्या कह रहे हैं आप लोगों से, आपको पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलती रहेगी। तो मेरे साथ में इस समय पर गया प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी के मालिक साहब मौजूद हैं, पहले मैं इनसे ही रूबरू हो लेता हूं, उसके बाद में मेरे साथ में किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा क्या स्थिति इनके यहां पर नए आलू की चल रही है, पुराना आलू बेचा कि नहीं बेचा और पुराने का क्या रुझान इस समय पर आगरा में चला है। नमस्ते सर, क्या स्थिति चल रही है सर? काहे की भैया, आगरा में आलू आलू का नया आ रहा है? कितनी गाड़ी आ रही है? वो आती 15 गाड़ियाँ, 15 गाड़ी डेली आ रही है। नए आलू में कौन कौन सा आलू आ रहा है? नए आलू में कोई वैरायटी नहीं होती, सब आलू वैरायटी इकट्ठी आती है, सब इकट्ठी आती है, खाते पुखराज वगैरह। हाँ, इस समय पर क्या रेट खोला है सर? 10 रुपये से लेकर 13-14 रुपये तक, नीचे में 10 और ऊपर में 14 रुपये। अगर बात की जाए यहाँ पर कौन कौन से जिले से आलू आ रहा है? एटा से, मैनपुरी से, बेबर से, 4-5 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। और अगर पुराने की बात करें तो पुराने का आगरा में क्या स्थिति है? 1500 रुपये किलो, 15 से 16 रुपये किलो। गाड़ी कितनी है सर? गाड़ी 5-7। चिप्सोना का क्या रेट है? 1500 रुपये किलो। जो LR चिप्सोना 1 12 रुपये किलो, T7 22 रुपये किलो, T7 का गुल्ला गुल्ला नहीं आ रहा। अगर जो नीला आलू आता है जैसे किसी और नाम से भी जानते हैं वो क्या है? वो यहाँ पर नहीं आता नीला आलू। ऐसे में जो किसान खोद रहे हैं और जिनका पुराना आलू रखा हुआ है, क्या पुराने आलू में कोई रुझान आने की संभावना? कोई संभावना नहीं। नए का क्या लग रहा है? नए की अब जितनी भी खुद आगे बढ़ती जाएगी नए रेट डाउन होता जाएगा। किसानों के लिए क्या सलाह है? किसानों की सलाह क्या, जैसा भैया वो चाय मैदा करें, हमें सलाह दें, उनको ये सलाह ये है अपने आलू सुरक्षित रखें, कीटनाशक बचाएं ताकि आगे भविष्य में उनको भविष्य सुधर सके। भविष्य बदल सकता है? नहीं बदल सकता। चलिए मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, नमस्ते चाचा, कहाँ से आए हैं? जिला मैनपुरी से। मैनपुरी कौन सा तहसील, कौन सा गाँव पड़ा है? भोगाम से आए हैं। कौन सा आलू किए थे? कुफराज। पुखराज, कितने कट्टे का बीघा निकला हमारा? 25 कट्टे का। 25 कट्टे का बीघा। आसपास का कितना निकल रहा है? 200 का निकल रहा है, 25 का निकल रहा है। ऊपर भी जा रहा है? ऊपर भी नहीं जा रहा। लगभग रोजाना कितने बीघा खेत खुद जाता होगा आपके गांव के आसपास? हमारे गांव के आसपास कर 50-60 बीघा। 50-60 बीघा खुद जाता है। आप यहाँ लेके आए आगरा की मंडी में, कैसा अनुभव रहा आप? अनुभव सही है। रेट सही मिले या कम मिले? कम मिले। कम है, कारण क्या रहा? कारण क्या, मंडी में ज़्यादा माल हो गया। ज़्यादा माल आ गया है? मैनपुरी के तो शेर मोल ले जाते हैं कि हमारा तो आलू उस पर बिकेगा घर पे, मंडी में सीनियर हैं बेचा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैनपुरियों की अलग ही वो रहती है। मेरे साथ में एक और मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। दादाजी नमस्ते। नमस्ते भाई, कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी का कौन सा गांव है? मैनपुरी बुर्रा चकसारा। बुर्रा चकसारा, तहसील भोगांव, ब्लॉक सुल्तानगंज। अरे वाह, आप तो नज़दीक ही हैं। कौन सा आलू किए थे आप? आलू कुफराज। पुखराज किया था। कितने कट्टे का बीघा निकला है? 27 का। क्या वर्षा प्रभावित था या नॉर्मली खेती थी? ना, वर्षा प्रभावित, तब भी इसमें वो है। अच्छा, तो क्या भाव क्या मिला आपको? भाव 14 रुपये, 14 रुपये किलो का। क्या उम्मीद करके आए थे आप? उम्मीद यही उम्मीद थी, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, मंडी का तो कोई भाव नहीं। मंडी कोई भाव नहीं। अगर पुराने की बात बताइए, पुराना सही से बेच लिया था कि नहीं बेच पाए थे आप? पुराना 350 पैकेट कोल्ड में छोड़ दिए। छोड़ दिए क्यों? पहले बेच नहीं पाया, फिर उसमें किल्ला जमाया। वो तो है, 900-1000 रुपये तक के रेट मिले थे, क्यों कम लगे आप लोग? लगे वो काम नहीं किया दिमाग काम नहीं किया। दादा निकालते रहते फायदा में रहते, वो तो सही थी। 3 से लगा लिए, 9-3 27, दो आपका 270,000 का हो जाता। 350 निकाल नहीं पाए दादा, अफसोस है। नाम क्या था? हाँ नमस्ते दादा, कहाँ से आए हैं? हम दुधौना से। ब्लॉक सुल्तानगंज। मैनपुरी से आए? हाँ मैनपुरी। मैं बात करूँ आपका, आपने कौन सा आलू किया था? पुखराज। पुखराज किया था। क्या कट्टे का औसत निकला? 20 का निकला है आपका। आपके और जो आस पड़ोसी उनका क्या निकल रहा है? वो करीब 25 का, 30 का उनका निकल रहा है। हाँ,
डेली का कितना बीघा खुद जाता होगा गांव में? 20 बीघा करीब। 20 बीघा, अगर आपके और क्षेत्रों की बात करें तो? और तो करीब 50-60 बीघा करीब। इस समय क्या रेट मिला है आपको? अभी तो बिका नहीं, अभी नहीं बिका। बिका नहीं है, रेट क्या खुला है? रेट तो 1300-1400। चलिए, यही था मेरे साथ में किसान साथियों, आगरा के आलू भाव, रोजाना के आगरा के भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगरा की मंडी से ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो मेरे पास ही मिलेगी, आड़तियों के पास मिलेगी, फ़ोन करके कभी भी आप पूछ सकते हैं आज कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।